आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं डोमेन्स के अबाउट। बेसिकली डोमेन्स क्या होती हैं और इनका पूरा मैकेनिज्म क्या होता है, उस चीज के अबाउट आज हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसान दानिश। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं डोमेन्स के अबाउट। बेसिकली डोमेन्स क्या होती हैं और इनका पूरा मैकेनिज्म क्या होता है, उस चीज़ के अबाउट आज हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि डोमेन क्या होता है। अगर मैं सिंपल और सादा अल्फाज में आपसे बात करूं तो डोमेन हमारी वेबसाइट का नाम होता है, या किसी भी वेबसाइट का नाम, उसको टेक्निकल टर्म के अंदर हम उसकी डोमेन कहेंगे। लेट्स सपोज दराज.pk, ehsandanish.com, udemy.com, facebook.com, instagram.com, ये सारी डोमेन्स हैं, राइट? मतलब उस वेबसाइट की, इनको टेक्निकल टर्म्स में डोमेन कहेंगे, राइट? अभी जो यहाँ पे आप वर्ड सुन रहे होंगे .com, .net, मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स तो आपने देखा होगा, कहीं पे .com है, कहीं पे .net है, .pk है, .org है, इनको बेसिकली डोमेन का लास्ट हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं डोमेन की एक्सटेंशंस, राइट? .org में भी एक्सटेंशन हो सकती है, .com में भी एक्सटेंशन हो सकती है, .net के अंदर भी एक्सटेंशन हो सकती है। तो बेसिकली ये एक्सटेंशंस क्यों होती हैं? तो बेसिकली ये एक्सटेंशन रिप्रेजेंट कर रही होती हैं डिफरेंट चीज़ों को। लेट्स सपोज अगर कंट्री स्पेसिफाइड डोमेन्स की मैं बात करूँ तो .pk पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, .in इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से हमारे पास .ru है, रशिया को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। .us USA को रिप्रेजेंट कर रही है, .uk, तो ये कंट्री स्पेसिफाइड डोमेन्स है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमारे पास .com जनरल डोमेन है, कोई भी ले सकता है। फिर हमारे पास .org, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को मतलब रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। .gov आपको पता लग रहा है कि कोविड की वेबसाइट है, राइट? तो ये जो एक्सटेंशन हैं ये स्पेसिफाइड कर रही होती हैं किसी ना किसी चीज़ को। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप कौन सी डोमेन ले सकते हैं? आप कोई भी डोमेन बाय कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट इट इज, .net, .com, .org, .in, .pk, कोई भी डोमेन आप बाय कर सकते हैं, राइट? अपनी वेबसाइट के लिए जो भी सूटेबल हो आपके लिए। अब जो दूसरी बात करेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे कि जो हाई लेवल और लो लेवल डोमेन्स कौन सी होती है। यहाँ पे दो मजीद कैटेगराइज किया गया है, हाई लेवल डोमेन्स को और लो लेवल डोमेन्स को। हाई लेवल डोमेन्स वो होती हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं और इनको, जिनको सर्च इंजन या बाकी लोग ज़्यादा लेजिट समझते हैं, या उनकी अथॉरिटी अच्छी होती है और वो थोड़ी सी महंगी भी होती हैं, राइट? जैसे .com हो गया, .org हो गया, .net हो गया, ये सारी हाई लेवल डोमेन्स और काफ़ी सारी हाई लेवल डोमेन्स हैं। आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाई लेवल डोमेन्स कौन सी हैं। और दूसरी होती हैं लो लेवल डोमेन्स, जैसे .biz, .tech, .xyz, राइट? इस तरह के डोमेन्स हैं, लो लेवल डोमेन्स हैं, .ml, .tk, तो इनको ज़्यादातर लोग ज़्यादा लेजिट नहीं समझते। टेस्टिंग के लिए आप ये वैलिड डोमेन्स ले सकते हैं, लेकिन सीरियस बिजनेसेस के लिए ये वैलिड डोमेन्स यूज़ नहीं होती और कोई भी यूज़ नहीं करता, राइट? उसके बाद अब हम बात करेंगे सब डोमेन्स के अबाउट। देखिए, डोमेन्स के अबाउट हमने बात कर ली कि एक्चुअल में डोमेन क्या है, सादे से अल्फाज में मैंने आपको समझा दिया। अब बात कर लेते हैं सब डोमेन। सब डोमेन का मतलब ये होता है कि आपकी मेन डोमेन की एक और डोमेन, राइट? जैसे आपके पास डोमेन है ehsandanish.com। अब अगर मैं कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ तो मेरी डोमेन होगी courses.ehsandanish.com, ये मैं खुद बना सकता हूँ, राइट? कि इस वाली स्पेसिफिक पार्टिकुलर URL के ऊपर मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब जैसे अक्सर आपने कोविड की वेबसाइट या यूनिवर्सिटी या स्कूल्स की वेबसाइट के अंदर देखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है जब आप एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो exams.xyz.gov.pk, राइट? तो वो सब डोमेन के ऊपर है, जबकि उसकी मेन डोमेन होती है xyz.pk या .gov.pk, राइट? तो आई होप थोड़ा सा आपको समझ आया होगा कि सब डोमेन्स क्या होती हैं। आगे चल के मजीद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप जब इनको डील करते हैं तो अगर आपको ख़रीदनी है तो आप किस तरह से ख़रीद सकते हैं। ख़रीदने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना होगा। लेट्स सपोज आपने एक डोमेन बाय की, तो वो डोमेन कहाँ से आ रही है, कौन उनको प्रोवाइड कर रहा है, कौन उनको मैनेज कर रहा है। एक इदारा है ICANN के नाम से, ICANN.org, वो बेसिकली सारी डोमेन्स का होल्ड उसके पास होता है और वो
क्या करता है, वो उनको आगे बेचता है, राइट। अब उनका बेचने का प्रोसेस क्या है, जैसे आईकैन है हमारे पास, आईकैन के साथ डिफरेंट प्रोवाइडर्स उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। और फिर वो डिफरेंट प्रोवाइडर्स जो हैं वो आगे डोमेन्स को सेल आउट करते हैं, और आईकैन को भी पैसे जाते हैं और उन प्रोवाइडर्स को भी पैसे जाते हैं जो उनको मैनेज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आईकैन का अगर मैं मतलब इस पूरे मैकेनिज्म को मैं छोटे से तरीके से समझाऊं, तो वो इस तरह से है जैसे आप एक घर के अंदर रहते हैं और घर के टॉप के ऊपर, छत के ऊपर आप एक पानी की टंकी रखी है, राइट। उस टंकी के अंदर पानी है और घर में आप किचन से पानी खोल रहे हैं तो उसी टंकी से पानी आ रहा है, राइट। इसी तरह आप बेडरूम के अंदर जा रहे हैं और पानी आपने आपको चाहिए तो उसी टंकी से पानी आ रहा है, राइट। तो बेसिकली वो जो टॉप पे टंकी है वो आई कैन है हमारे पास, और डिफरेंट जो नल्स हैं हमारे पास डिफरेंट जगहों पे, वो हमारे प्रोवाइडर्स हैं, राइट। तो इन प्रोवाइडर्स के जरिए अब जो पानी उस टंकी से निकल गया किसी भी नल के जरिए, वो दोबारा से किसी और नल से नहीं निकल सकता। तो यहाँ पे पॉइंट समझने वाला ये है कि अगर आपने एक डोमेन रजिस्टर कर ली है तो वो डोमेन आपकी ही रहेगी, कोई और अब उसे कहीं किसी भी प्रोवाइडर से बाय नहीं कर सकता अनटिल आप उसका रेंट पे करते रहें। नॉर्मली जो डोमेन्स होती हैं वो ईयरली होती हैं, मतलब हर साल आपको उनका रेंट पे करना पड़ता है, जो कि अमूमन $5 से लेके $15 के दरमियान होता है। किसी के कोई प्रोवाइडर $10 की बेच रहा होता है, कोई प्रोवाइडर जो है वो $9 की पर ईयर बेच रहा होता है। तो ये टोटल डिपेंड करता है उस प्रोवाइडर के ऊपर। तो चले मजीद स्क्रीन के ऊपर चल के देखते हैं इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म। ओके, तो हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे देखें अगर मैं लिखूं यहाँ पे गो डैडी, राइट, और यहाँ पे नेम चीप, और यहाँ पे मैं लिखूं साइट ग्राउंड, तो ये बेसिकली प्रोवाइडर्स हैं और बहुत सारे लातादाद प्रोवाइडर्स हैं। यहाँ पे देखें अगर मुझे कोई डोमेन बाय करनी है तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा लेट्स से एहसान danish.com, ये ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, तो मैं ये किसी भी प्रोवाइडर पे सर्च करूंगा अवेलेबल फॉर बाय नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, मैं परचेज कर चुका हूं इसको। तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी डोमेन टेकन, राइट। अगर मैं इस प्रोवाइडर पे भी ये डोमेन सेम सर्च करूंगा तो ये अवेलेबल नहीं होगी, जैसा कि मैंने आपको आई कैन का और टंकी की एग्जाम्पल देके आपको समझाया कि किस तरह से ये काम कर रहा होता है, कि जो डोमेन आपने ले लिया है उस साल का आपने रेंट पे कर दिया, तो वो डोमेन अब आपकी ही रहने वाली है, कोई और उसको बाय नहीं कर सकता किसी भी प्रोवाइडर के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखें यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो इसी तरह से आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको वो डोमेन अवेलेबल नहीं होगी, और जो डोमेन अवेलेबल है वो तमाम, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कुछ और रैंडम करेक्टर्स डाल देता हूँ, और ये डोमेन देखें अवेलेबल अगर यहाँ पे होगी तो तमाम प्रोवाइडर्स के ऊपर अवेलेबल होगी। यहाँ पे देखें EMD यहाँ पे अवेलेबल है, और ये जो GoDaddy है वो प्रोवाइड कर रहा है $0.01 के अंदर इसको फॉर 1 ईयर, राइट। फर्स्ट ईयर ये बहुत ही ज़्यादा चीप देते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा डोमेन्स के अबाउट अ लिटिल बिट, मजीद जाके आगे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम डोमेन बाय करेंगे एक्चुअल में और किस तरह से उनको यूज करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।